Hello everyone, so today date is 25th February and 2024. We are going to solve some PYQs of rotational motion chapter of class 11th physics, system of particles and rotational motion. Start karte hai question number 1 se. Two particles of mass 5 kg, दो particles हैं, एक का mass 5 kg, एक का 10 kg, respectively are attached to the two ends, जो दो ends एक rigid rod के उसके साथ attached हैं, जिसकी length कितनी है, 1 meter की, और mass उसका negligible है. Center of mass of system, center of mass बताने system का, जो कि 5 kg का है, nearly at a distance, वो कितने distance? Solve करते हैं question को. एक्स सेंटीमीटर, ये है वाई, 5 kg, एक्स सेंटीमीटर 0, यहाँ पे हमारे पास है 100 और 0, ये है 10 kg का मास, ये 5 और ये 10. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ two particles of masses m1 and m2 having position vectors x1 and x2 is. सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का जिनका मास m1 और m2 है, जिनके पोजीशन वेक्टर x1 और x2 है, इस कित क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास होता है, x सेंटीमीटर इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा. तो हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है. टेकिंग पार्टिकल्स ऑफ पहले हम जो मास 5 kg वाला उसको कंसिडर करेंगे. टेकिंग पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एट ओरिजन, x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 × 0 प्लस 100 × 10 अपॉन 5 + 10 इज इक्वल टू विल गेट 200/3, यानी कि 66.66 सेंटीमीटर, यानी कि x सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 67 सेंटीमीटर. हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया है, यानी कि 67 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. यहाँ पे चार दे रखे हमें. सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का हमेशा कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी के साथ, ये हमारे पास इनकरेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास ये गलत है. नेक्स्ट हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो होता है एक बॉडी का इज अ पॉइंट, वो ये पॉइंट होता है जहाँ पे जो टोटल ग्रेविटेशन टोर्क होती है बॉडी की जीरो होती है, गलत है. अ कपल ऑन द बॉडी प्रोड्यूस, एक जो कपल होता है बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करता है ट्रांसलेशन और रोटेशन, बिल्कुल गलत है. एक मिनट, ये बी वाला ठीक है. हमारे पास ये टोर्क जीरो ही होती है, वहां पे जो सेंटर ऑफ मास होता है ना बॉडी का, वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल ग्रेविटेशनल टोर्क बॉडी की जीरो होती है, बिल्कुल ठीक है. ये हमारे पास गलत है. मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो किससे, वंस मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज लोड, बिल्कुल ठीक है. बी और डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. देखो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, उसका फॉर्मूला होता है क्या, लोड अपॉन एफर्ट. अगर मैकेनिकल एनर्जी ये एडवांटेज जो है ग्रेटर देन वन होता है, यानी कि इसका मतलब है लोड जो है एफर्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है. और सेंटर ऑफ मास जो है मे और मे नॉट कोइंसाइड विद, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. नेट टॉर्क जो होता है ग्रेविटेशनल पुल का, वो हमेशा जीरो होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो ये हमारे पास था, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब. टू पर्सन, दो पर्सन है, एक का मास 55 kg, दूसरे का 65 kg है रिस्पेक्टिवली, आर एट द अपोजिट एंड्स में, एक बोट के अपोजिट एंड्स पे हैं दोनों. लेंथ जो है बोट की वो कितनी है, 3 meter है, और वेट उसका कितना है, 100 kg. जो 55 kg का मैन है वो सब टू द 65, जो 55 kg का आदमी है वो 65 kg के मैन के साथ क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है और सिट विद हिम, और उसके साथ बैठ भी गया है. अगर बोट जो है वो स्टिल इज इन स्टिल वाटर, अगर वो स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में है, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का शिफ्ट बाय, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का वो कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये पूछा गया. इसको सोल्व करते हैं स्पेस बनाकर. हंड्रेड के जी बोट,
55 केजी का पर्सन है, 65 केजी का पर्सन है, यहाँ पे 3 मीटर ठीक है इसकी लेंथ है। तो देर इज नो कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र क्वेश्चन में नहीं हुआ है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का वो शिफ्ट नहीं होगा, ये चीज याद रखोगे। अगर हमारे पास ये कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र ना हो, एक्सटर्नल फोर्स का अभी भी एक्ट ना करे, तो जो सिस्टम सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कभी भी शिफ्ट नहीं करता सिस्टम का, यानी कि जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज थ्री मासेज आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, तीन मासेज जो है एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड है 300 केजी का ओरिजिन पे 300 ग्राम का ओरिजिन पे 500 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 400 ग्राम एट एक्स इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से कितना होगा, ये पूछा गया है यहाँ पे। जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पुट किया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे मास और एक्स दोनों का जिक्र है, यानी कि बस यहाँ पे एक हमारे पास बढ़ गया है। तो क्या आएगा, एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये आएगा हमारे पास। यानी कि एक्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू एम वन कितना दे रखा है 300 यानी ओरिजिन पे यानी जीरो, प्लस 500 कितना दे रखा है हमारे पास 40 पे, प्लस 400 इंटू 70 ठीक है, यानी कि 300 प्लस 500 प्लस 400 ये हमारे पास, यानी कि x सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 500 इंटू 40 प्लस 400 इंटू 70 1200। आफ्टर सॉल्विंग दिस काफी इजी कैलकुलेशन है इसकी, 40 सेंटीमीटर हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 40 सेंटीमीटर वाला कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स जो कि इनिशियली रेस्ट पे हैं, दो पार्टिकल्स जो कि स्टार्टिंग में अगर बात करी जाए तो वो रेस्ट पे है, मूव टुवर्ड, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन, मतलब कि इंटरनल अट्रैक्शन के तौर पे वो एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर उनकी स्पीड जो है वो वी और टीवी है, टू वी है किसी भी इंस्टेंट पे ठीक है, देन स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल बी, तो स्पीड बतानी है सेंटर ऑफ मास किसके, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड बतानी है यहाँ पे हमारे पास कितनी होगी। यहाँ पे अब एक चीज देखो, कोई एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र नहीं हुआ, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्शन जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसके ऊपर नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। एक क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी ये बात कर ली थी, तो स्पीड ऑफ मास क्या होगा, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो जो स्पीड होती है सेंटर ऑफ मास की या फिर उसकी जो शिफ्टिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू बॉडीज ऑफ मास वन के जी, दो बॉडीज है, एक का मास एक के जी है, दूसरे का 3 kg है, पोजिशन वैक्टर क्या, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप एंड दूसरे का -3 i कैप -2j कैप प्लस के कैप रिस्पेक्टिवली, जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का हैज अ पोजिशन वैक्टर, जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का उसका पोजिशन वैक्टर क्या होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। स्पेस बना के सोल्व कर लेंगे। देखो द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय आर सेंटीमीटर, यानी इज इक्वल टू क्या, वही फॉर्मूला, यानी कि वैल्यूज हमारे पास गिवन 1/4 माइनस, ये दोनों हमें दे रखे हैं -4j कैप प्लस 4k कैप, यानी कि आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, ये आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, 2i कैप -j कैप प्लस k कैप, यानी कि -2i कैप j कैप, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है हमारे पास इसका करेक्ट है, -2i कैप -j कैप प्लस k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लीनियर अगर लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ जो है एक रोड की जिसकी लेंथ 3 मीटर है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे एक्स जो है डिस्टेंस है एक एंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द रोड, एक एंड रोड के एक एंड का डिस्टेंस कितना है एक्स है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोड की फ्रॉम दिस एंड, इस एंड से जहाँ पे ये बात करी गई है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा रोड का वहां तक का डिस्टेंस बताना है कितना होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है।
बेसिकली एक जो है डेरिवेशन भी है इस चैप्टर में, स्पेस बना के सोल्व करते हैं। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए, तक हेयर, यहाँ पे जो मास है, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी, यानी कि लैम्डा ऑफ रोड। देखो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हम वहाँ पे के पुट कर सकते हैं, यानी कि डी एम इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स। कैसे, देखो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, डी एक्स, ये एक्स। तो पोजीशन ऑफ सेंटर की अगर बात करें, जो यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रोड फ्रॉम एंड ए क्या होगा, एक्स सी जी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है ये जीरो टू एल, यानी कि एक्स डी एम अपॉन एल जीरो डी एम, इंटीग्रेशन डी एम। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 2 मीटर आंसर। डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, बहुत बड़ी डेरिवेशन है, बहुत काफ़ी बड़ी है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। तो 2 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इस प्लेस्ड होना उसको एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा गया, हॉरिजेंटल फोर्स एफ जो है वो अप्लाई की गई एट एट हाइट एच, हाइट एच के ऊपर जो है एक फोर्स को, हॉरिजेंटल फोर्स को अप्लाई किया गया उसके बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से। फ्रॉम द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज, तो फॉर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास की वो बतानी है, उसके लिए क्या हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो देखो जो फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एब्सेंट होती है, ठीक है, एज फ्रिक्शन इज एब्सेंट एट द पॉइंट, जो कॉन्टैक्ट का पॉइंट होता है ना, एक दो दो चीज़ों के बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये क्या होती है, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स अपॉन मास इंडिपेंडेंट होती है एच के, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा, एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगी व्हाटएवर हाइट में भी, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा हाइट चाहे कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये क्या होती है, इससे इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो सेंटर ऑफ मास होता है एक, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पूछा गया हमसे। तो मासेज ऑफ पार्टिकल के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है फोर्स, ये ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम जो है डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, मासेज ऑफ पार्टिकल के ऊपर ऑल्सो, ये डिपेंड करता है जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है ना दो पार्टिकल के बीच का उनके ऊपर भी, लेकिन किस प्रकार की कैसे कितनी फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है सेंटर ऑफ मास उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। थियोरेटिकल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव इज कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम है उनको सेपरेट किया गया डिस्टेंस 1.1 × 10⁻¹⁰ मीटर से, डिस्टेंस जो सेंटर ऑफ मास का कार्बन एटम से कितना होगा, डिस्टेंस बताने सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम कार्बन एटम इज, तो स्पेस बना के इसको सोल्व कर लेंगे। पहले मैं जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना उसको मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमारे पास कार्बन और ये मोनोऑक्साइड ओ, इन दोनों को सेपरेट किया गया कितने डिस्टेंस से, देखो इनका सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास इनका कितना है 1.12 × 10⁻¹⁰ मीटर इनके बीच का सेपरेशन है, ठीक है, सेपरेट इनको किया गया इससे। ये इसका 12 होता है, कार्बन का पता है आपको मॉलिक्यूलर मास 12 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी कैन से डी इज इक्वल टू 1.16 × 1.12 × 10⁻¹⁰ वही प्लस 12 × 0/16 + 12 m1 + m2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0.64 × 10⁻¹⁰ मीटर, ये आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली. जो टाइम पीरियड है इनकी रोटेशन का वो सेम है दोनों का. रेशियो बताना है एंगुलर स्पीड ऑफ ए का टू दैट ऑफ बी विल बी कितना होगा. रेशियो बताना है एंगुलर स्पीड ऑफ ए का टू दैट ऑफ बी विल बी कितना होगा, ये पूछा गया. थोड़ा स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे. आर ए आर बी, ठीक है. तो ये हमारे पास है लेट टी ए एंड टी बी आर द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इनको हम जो है कंसिडर करते हैं पार्टिकल ए और बी दोनों का, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ बी इज इक्वल टू टी. यानी कि अगर ओमेगा ए और ओमेगा बी जो है इनके एंगुलर स्पीड्स हैं, देयर आर देयर एंगुलर स्पीड. सो ओमेगा ए इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी ए एंड ओमेगा बी इज इक्वल टू व्हाट, टू पाई अपॉन टी बी. हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इज इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए इज इक्वल टू टी अपॉन टी, क्योंकि ये दोनों सेम है. तो यानी 1:1 हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया. तो क्वेश्चन कौन सा अपना डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है अपने मोशन को, एक सर्कल ऑफ रेडियस आर में मूव करता है, अटेन करता है वेलोसिटी वी नॉट मीटर पर सेकेंड की इन nth राउंड में, एंगुलर एक्सीलरेशन इसकी कितनी होगी. दोबारा से सुनिए क्वेश्चन को. एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और एक सर्कल ऑफ रेडियस आर में वो मूव कर रहा है, ये अटेन करता है एक वेलोसिटी वी नॉट मीटर पर सेकेंड की इन द nth राउंड, इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन बतानी है कितनी होगी. v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, वी नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो प्लस टू आर एल्फा टू पाई आर इन टू एन. यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा वी नोट स्क्वेयर अपॉन फोर पाई एन आर का स्क्वेयर. फॉर्मूला है वैसे ये, अल्फा इज इक्वल टू वी नोट स्क्वेयर अपॉन फोर पाई एन आर स्क्वेयर. यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया हमारे पास, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक व्हील जो है उसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है उसकी कितनी है, 2 रेडियन पर सेकंड. इन अ टाइम ऑफ 2 सेकंड के टाइम पीरियड में इट हैज़ रोटेटेड थ्रू, वो एक एंगल के थ्रू क्या किया उसने, रोटेशन किया रेडियन में ऑफ कितने कितनी रेडियन की उसने रोटेशन किया, ये यहाँ पे हमें बताना है. तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. देखो सिंस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर. ये हमारे पास फॉर्मूला था, जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन होती है ना, उनकी मॉडिफिकेशन होती है ये, ठीक है. जहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड है, तो टाइम 2 सेकंड पे बात हो रही है यहाँ पे. तो क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वेयर. यानी 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 10 रेडियन. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका, ए आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब एक व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर का है, रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. एक व्हील जिसका रेडियस 1 मीटर का है, वो फॉरवर्ड रोल कर रहा है हाफ अ रेवोल्यूशन आधी रेवोल्यूशन एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे. जो मैग्नीट्यूड है उसके डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट का ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इन, जो कि इनिशियली इन कॉन्टेक्ट है ग्राउंड के साथ, वो कितना होगा, ये पूछा गया है यहाँ पे. स्पेस बना के सोल्व करेंगे क्वेश्चन को. एक ये व्हील है, वन मीटर, काफी टेढ़ा बन गया. हालांकि ये इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ऐसे जब ये रोल करेगा मूव करेगा तो ये ऊपर का यहाँ पे दिखेगा, यानी कि P2, ये हमारे पास P1 है. यहाँ पे इसका बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो गया और ये आधा, ये भी क्या हो गया 1 मीटर, हाफ रेवोल्यूशन बोला था, ये क्या हो गया पाई आर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में. यानी कि जो लीनियर डिस्टेंस मूव किया है व्हील ने हाफ रेवोल्यूशन में, वो कितना है पाई आर. पॉइंट पी वन जो है आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन रीच करता है एट पी टू वर्टिकली 2 मीटर अबव द ग्राउंड. एक और एक कितना हो गया 2 मीटर, वर्टिकली 2 मीटर अबव द
ग्राउंड. सो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट पी वन पी टू इज इक्वल टू रूट पाई स्केयर आर स्केयर प्लस टू का स्क्वेयर, यानी कि पाई स्केयर प्लस टू टू से कितना फोर, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू वट वन मीटर. ये आ गया हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी कि पाई रूट पाई स्क्वेयर प्लस फोर, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है दो रेसिंग कार्स है, एक का मास एम वन है दूसरी का एम टू है, मूव करें एक सर्कल ऑफ रेडियस रेडियाई आर वन और आर टू में रिस्पेक्टिवली. इनकी जो स्पीड है वो कुछ इस प्रकार है कि ये दैट ईच मेक्स, ये हर एक जो कार है वो एक कंप्लीट सर्कल टाइम टी में बना रही है. रेशियो बतानी है इनकी एंगुलर स्पीड का ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार, इस पहली से दूसरी कार का जो रेशियो होगा एंगुलर स्पीड का, इनकी एंगुलर स्पीड स्पीड्स का जो रेशियो होगा वो बताना है कितना होगा यहाँ पे हमारे पास. तो देखो एज टाइम टेकन बाय बोथ कार टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के का क्या है वो सेम है. एज ओमेगा का फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन टी, पता है आपको. सो ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, टाइम जो है वो दोनों के लिए सेम है, हेंस ओमेगा भी क्या होगा ऑल्सो सेम. टाइम दोनों का सेम है तो ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड भी क्या होगी दोनों की सेम होगी. सो करेक्ट ऑप्शन वी विल हैव यानी कि ए वन रेशियो वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फ्लाई व्हील मेक्स 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, अगर एक फ्लाई व्हील जो है वो 120 रेवोल्यूशन पर मिनट बना रही है तो उनकी एंगुलर स्पीड बतानी है कितनी होगी. देखो एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम ये होता है, तो 2 पाई इंटू कितनी रेवोल्यूशन 120 इंटू 2 पाई अपॉन टाइम कितना है, टाइम हमारे पास क्या दे रखा है 60 मिनट दे रखी है, यानी एक मिनट में 60 सेकेंड होती है. ये गया 6 6 6 2 12 यानी कि कितना आ गया 4 पाई, 6 2 2 2 4 पाई रेडियन आ गया, यानी कि रेडियन पर सेकेंड सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट है. नेक्स्ट इज एंगुलर स्पीड जो है एक इंजन व्हील की जो कि 90 रेवोल्यूशन पर मिनट बनाती है, क्या बोला गया है एंगुलर स्पीड एक इंजन व्हील की जो कि मेकिंग 90 रेवोल्यूशन पर मिनट इज कितना होगा उसका एंगुलर स्पीड ये पूछी गई है. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इंजन व्हील यानी एन इज इक्वल टू कितना है 90 रेवोल्यूशन पर मिनट यानी 90 पर मिनट, ठीक है. एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन व्हील की अगर मैं बात करूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, 2 पाई इंटू एन के प्लेस पे 90 अपॉन 60 यानी कि 2 1 2 3 3 3 यानी 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया करेक्ट आंसर. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है 2 पाई एन अपॉन टाइम, तो 2 पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी 90 दे रखी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑब्वियसली अपॉन टाइम कितना है पर मिनट है तो 60 सेकेंड हम इसको लेते हैं, करेक्ट आंसर आ गया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो रेसिंग कार से एक का मास एम है दूसरी का 4m है, मूव करें सर्कल में ऑफ रेडियाई r एंड 2r रिस्पेक्टिवली, अगर इनकी स्पीड जो है कुछ इस प्रकार है कि कंप्लीट सर्कल बना रही है सेम टाइम में तो रेशियो बतानी है इनके एंगुलर स्पीड का क्या होगा. अभी सेम क्वेश्चन हम करके आए हैं, क्या आएगा 1:1, जब टाइम जो है दोनों का सेम है तो ये जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, टाइम सेम है तो एंगुलर स्पीड भी क्या होंगी सेम होंगी दोनों की, यानी कि 1:1 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी ऊपर करके आए हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, टॉर्क निकालना है ओरिजिन के अबाउट जब एक फोर्स 3J कैप न्यूटन की एक्ट करती है एक पार्टिकल के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर 2K कैप मीटर है, तब बताना कितना होगा. देखो गिवन हमें फोर्स दे रखी है कितनी 3J कैप न्यूटन, पोजिशन वैक्टर यानी आर दे रखा है 2K कैप मीटर, ये दे रखा है. टोर्क का फॉर्मूला होता है टोर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, सिंपल फॉर्मूला होता है, पुट आप इसको सोल्व करोगे दोनों चीजों का पुट करोगे आंसर आ जाएगा -6i कैप न्यूटन, क्या आ जाएगा -6i न्यूटन मीटर, -6i कैप न्यूटन मीटर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा. प्लस माइनस काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है क्वेश्चन, एक बार सोल्व करके देख लेते हैं. 2K कैप -3J कैप यानी 2 3 कितना हो गया यहाँ पे 6K कैप इंटू J कैप, K इंटू J कैप होता है -I कैप, ये पता होना चाहिए यानी कि 6 यानी कि -6I कैप न्यूटन पर मीटर आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 2 केजी और रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, वो एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है एट अ रेट ऑफ 3 रेवोल्यूशन पर मिनट, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशन, टॉर्क बतानी है कितनी रिक्वायर्ड होगी अगर इसको हम 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद स्टॉप करना चाहते हैं तो कितनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 2 केजी है और रेडियस उसका 4 सेंटीमीटर है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट एट द रेट ऑफ कितना 3 रेवोल्यूशन पर मिनट, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप कितनी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी अगर उसको जो है 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद स्टॉप करना है। तो देखो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्योंकि काफी बड़ा ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बढ़ाएगा, जितना छोटा क्वेश्चन उतना बड़ा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, गिवन दैट हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी 2 पाई रेवोल्यूशन पर मिनट, राइट, यानी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 2 × 4 पाई स्क्वायर रेडियन, इनिशियल एंगुलर स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 3 इंटू 2 पाई अपॉन 60, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 21, यानी 10, यानी कि हमारे पास आ गया ये कितना 0 टू टेंजा, ठीक है ये कितना आ गया 0 रेडियन पर सेकेंड हमारे पास आ गया, ये मतलब कि इसको 0 कैसे आ गया, ये तो फाइन इनिशियल था। देखो चलो इनिशियल को यहाँ पे हम सोल्व ही नहीं करते, आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वरना इसको एज इट इज रहने देते हैं 2 π/60 रेडियन पर सेकेंड, और फाइनल की अगर बात करी जाए तो कितना है 0 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ओमेगा फाइनल एंड ओमेगा इनिशियल, वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टॉर्क थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वेयर 0 स्क्वेयर माइनस इनिशियल का होल स्क्वेयर, ये हमारे पास आएगा। अब हमने सारी चीज़ें निकाल दी हैं, आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट टॉर्क इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, क्या आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है 2 × 10⁶। देखो दो बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन यहाँ पे, नहीं दो बार कैसे हो रहा है, देखो कितना प्रीसाइज यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव 6 है, यहाँ पे नेगेटिव 6 है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, एक रोप जो है वाइंड अराउंड एक होलो सिलेंडर है मास 3 केजी का, उसके अराउंड एक रोप जो है वाउंडेड है, रेडियस उसका 40 सेंटीमीटर है, एंगुलर एसोलेशन बताना है सिलेंडर ऑफ एसोलेशन ऑफ सिलेंडर बताना है, अगर रोप जो है उसको पुल्ड विद अगर उसको हम 30 न्यूटन की फोर्स के साथ पुल्ड कर दे तो हमारे पास क्या एंगुलर एसोलेशन आएगा वो यहाँ पे हमें बताना। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, वो एक रोप है एक होलो सिलेंडर के अराउंड उसको वाउंड कर रखा है जिसका मास 3 केजी है, रेडियस 40 सेंटीमीटर है, एंगुलर एसोलेशन बताना है सिलेंडर का, अगर उस रोप हम एक 30 न्यूटन की फोर्स के साथ खींच देते हैं तो कितना एंगुलर एसोलेशन सिलेंडर का होगा, ये यहां पे हमसे पूछा गया, स्पेस बना के इसको सोल्व करते हैं। देखो ये होलोस्फीयर बाउंडेड बाय अ रोप, फोर्स 30 न्यूटन के साथ अगर इसको हम खींच दे, ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर का, तो देखो क्या क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ सिलेंडर, यानी कि m इज इक्वल टू कितना 3 kg, रेडियस की बात करो तो कितना है 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर, फोर्स कितना है 30 न्यूटन का, अल्फा क्या है हमें यहाँ पे निकालना है, एंगुलर एसेलेरेशन निकालना है, तो हम जानते हैं टोर का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा, तो f टोर का फॉर्मूला क्या होता है टोर्क इज इक्वल टू f इंटू r, ये भी एक फॉर्मूला, इसका इज इक्वल टू i का फॉर्मूला क्या होता है इनर्शिया ऑफ मास का फॉर्मूला होता है mr² alpha, ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला आ गया, मतलब टोटल क्या कहते हैं फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे अल्फा को हम बाहर निकाल लेंगे, अल्फा को जब हम बाहर निकालेंगे यानी कि क्योंकि निकालना हमें यही है तो अंदर क्या आ जाएगा f इंटू r अपॉन mr² सोल्व करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 30 r 0.4 अपॉन m 3 इंटू आर का स्क्वेयर यानी कि 0.4 का होल स्क्वेयर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 25 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गया क्या अल्फा की वैल्यू यानी कि एंगुलर एसिलेशन हमारे पास आ गई 30 न्यूटन। यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जो है जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है रेस्ट पे इज फ्री टू टर्न अबाउट. वो फ्री है कि वो अपने एक्सिस के अबाउट जो टर्न कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर है उसके प्लेन के और पास कर रही है उसके सेंटर के थ्रू. इट इज सब्जेक्टेड टू आर टॉर्क. वो एक टॉर्क के लिए सब्जेक्ट किया गया जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर. नेट एक्सीलरेशन जो है मीटर पर सेकेंड में एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली. दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस 50 सेंटीमीटर है रेस्ट पे, वो जो है टर्न करने के लिए फ्री है अबाउट उसके एक्सिस, मतलब उसके एक्सिस के अबाउट वो फ्रीली टर्न कर सकती है जो कि परपेंडिकुलर उसके प्लेन की और पास कर रही है उसके सेंटर से. इट इज सब्जेक्ट एक टॉर्क उसको दी गई जो कि प्रोड्यूस कर रही है कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर की. अगर उसकी जो नेट एक्सीलरेशन है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर का स्क्वेयर में है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड के बाद इज अप्रोक्सीमेटली. नेट एक्सीलरेशन बतानी है कितनी होगी. ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. Given. Given यानी रेडियस डिस्क की अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ डिस्क की यानी कि आर कितना है 50 सेंटीमीटर. एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करूं वो कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर. टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है 2 सेकेंड. ठीक है, तो पार्टिकल एट पेरिफेरी अज्यूम करते हैं हम कि विल हैव बोथ रेडियल, मतलब रेडियल भी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों प्रकार की होगी इसके पास. यानी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी कि आर कितना 0.5 अल्फा 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गया. एंगुलर स्पीड की अगर बात करी जाए तो उसके उसका फॉर्मूला क्या होगा. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी है हमारे पास फॉर्मूला. यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट क्या होगा 0 प्लस अल्फा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड. सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की बात करूँ यानी ए सी की इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर आर, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 4 का स्क्वेयर इंटू आर 0.5 यानी कि 16 इंटू 0.5 इज इक्वल टू व्हाट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. लीनियर एक्सीलरेशन की बात करूँ यानी ए टी की वो कितनी होगी अल्फा इंटू आर यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये हमें गिवन है. नेट एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा टोटल इज इक्वल टू रूट ए टी का स्क्वेयर प्लस ए सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 1 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जो है हमारे पास इसकी नेट एक्सीलरेशन आ जाएगी. इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बता देती हूँ. जो एक्सीलरेशन होती है पार्टिकल की जो मूव करती है एक सर्कल में, उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है टेंजेंशियल यानी कि एटी फोर विच इज अलोंग द जो कि टेंजेंट के अलोंग होता है, रेडियल एक्सीलरेशन के अलोंग होता है विच 15 टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. एज जो दो कंपोनेंट होते हैं वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, देयरफॉर जो नेट एक्सीलरेशन होगा पार्टिकल का उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू रूट ए टी स्क्वेयर प्लस ए आर का स्क्वेयर. तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है 8, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक मास m जो है मूव कर रहा है एक सर्कल में एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे विद वेलोसिटी v नोट एट रेडियस r नोट. जो मास है वो अटैच्ड है स्ट्रिंग से जो कि पास करी है एक स्मूथ होल के जरिए इन द प्लेन एज शोन. तो टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में कितनी इंक्रीज होगी ग्रेजुअली और फाइनली जो m है वो मूव कर जाएगा एक सर्कल में जिसका रेडियस कितना है r नोट अपॉन 2. तो फाइनल वैल्यू बतानी है काइनेटिक एनर्जी की कितनी होगी. ठीक है, तो देखो अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उसके अनुसार क्या होता है एम वी नोट आर नोट इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर नोट अपॉन 2 यानी कि ये हाफ हो गई हमारे पास. देयरफॉर यानी कि वी जो होगा वी डैश इज इक्वल टू 2 वी नोट. देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम 2 वी नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू यानी कि 2 एम वी नोट स्क्वेयर हमारे पास आ गई इसकी फाइनल एनर्जी. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया है ये देख लेंगे. अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज बी 2 एम वी नोट स्क्वेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोड जो है वेट W की सपोर्टेड बाय दो पैरेलल नाइफ एजिस से वो सपोर्ट कर रखा है A और B और दोनों ही क्या है इक्विलिब्रियम में है एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे. नाइफ जो है वो एक डिस्टेंस D पे है एक दूसरे, मतलब कि नाइफ जो है डिस्टेंस D की दूरी पे एक दूसरे से. जो सेंटर ऑफ मास है रोड का इज एट डिस्टेंस X. सेंटर ऑफ मास जो है रोड का वो डिस्टेंस X पे है फ्रॉम A. नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, तो नॉर्मल रिएक्शन बतानी है A पे कितनी होगी ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है. तो थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे सोल्व करेंगे. By torque balancing about B
यानी कि एन ए डी इज इक्वल टू डब्लू डी माइनस एक्स, ये फॉर्मूला यानी एन ए इज इक्वल टू डब्लू डी माइनस एक्स इज अपॉन डी। तो ये आ गया वैसे फॉर्मूला है, ये आप इसको याद रख सकते हो एज इट इज, एन ए इज इक्वल टू डब्लू डी माइनस एक्स अपॉन डी, डब्लू इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, सी डब्लू इंटू डी माइनस एक्स अपॉन डी। एक ऑटोमोबाइल जो है वो मूव करता है एक रोड पे एक स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, जो रेडियस है इसके व्हील का वो कितना है 0.45 मीटर, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस व्हील का अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है 3 केजी पर मीटर स्क्वेयर। अगर व्हीकल को हम रेस्ट पे ले आए 15 सेकंड में तो जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज टॉर्क का जो ट्रांसमिट हो रहा है उसके ब्रेक्स के द्वारा टू द व्हील इज वो कितना होगा। अगर मैग्नीट्यूड को जो मैग्नीट्यूड एवरेज टॉर्क का उसको हम ट्रांसमिट कर दें ब्रेक बाय इट्स ब्रेक उसके ब्रेक के द्वारा व्हील में तो वो कितना होगा वो पूछा गया। थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। गिवन तो स्पीड हमें कितनी दे रखी है, यानी v इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आर यानी 15 मीटर पर सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं कितना 3 केजी पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल उसकी एंगुलर स्पीड की बात करूँ तो फॉर्मूला v अपॉन r होता है, v कितना 15 r यानी 0.45 यानी कि 100 अपॉन 3। गिवन फाइनल हमें क्या दे रखा है एंगुलर स्पीड 0 है, ठीक है। तो फॉर्मूला ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस अल्फा t यानी कि 0 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस इंटू 15। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 100 अपॉन 45। तो जो एवरेज टॉर्क ट्रांसमिट होगा ब्रेक के द्वारा व्हील में वो कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा यानी कि 3 इंटू 100 अपॉन 45 क्या आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन 6.66 के जी मीटर स्क्वेयर पर सेकंड का स्क्वेयर, 6.66 के जी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज पॉइंट मासिस M1 और M2 जो है प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड पे रखे गए एक रिजिड रोड के जिसकी लेंथ है L और नेग्लिजिबल मास है। रोड जो है सेट टू रोटेटिंग अबाउट, वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट कर सकते हैं जो कि इसके परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पोजीशन है ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी की जो पोजीशन है इस रोड पे थ्रू विच जिसके द्वारा विच द एक्सिस शुड पास, एक्सिस पास कर सकता है सो दैट जो वर्क रिक्वायर्ड है टू सेट द रोड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट वो क्या हो मिनिमम इज गिवन बाय, वो कैसे दे रखे देखो फिगर से क्या समझ आ रहा है हमको। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारे पास, सोल्व करते हैं थोड़ा सा स्पेस बनाकर। फ्रॉम फिगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम वन एक्स स्क्वेयर प्लस M2 L माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। I इज इक्वल टू एम वन एक्स स्क्वेयर प्लस M2, इसको अंदर को सोल्व कर लेंगे मतलब इसको एक्सपेंड फॉर्म में L स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एल एक्स यानी कि I इज इक्वल टू एम वन एक्स का स्क्वेयर प्लस M2 L स्क्वेयर प्लस M2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 M2 L x। एज I जो है वो क्या है मिनिमम है सो डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2m1x प्लस 2m2x माइनस 2m2l। यूजिंग इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज करेंगे तो पुट कर देंगे यहाँ पे 2m1x प्लस 2m2x माइनस 2m2l इज इक्वल टू व्हाट 0x इज इक्वल टू m2l अपॉन m1 प्लस m2। जब देखो इनर्शिया ऑफ मोमेंट मिनिमम हो तो वर्क डन जो होता है रोटेटिंग रोड के द्वारा वो भी क्या ऐसा होता है मिनिमम होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। m2l अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस ये m1 प्लस m2, ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट है और ये आपको याद रखना है एज इट इज़ फॉर्मूला है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे अब फोर्स कितना अल्फा एफ इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एक्ट कर रही है एक पॉइंट के ऊपर कितना एट अ पॉइंट आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 12k कैप जो वैल्यू है अल्फा की फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अपने ओरिजिन के अबाउट कंजर्व्ड होगा वो कितना होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया। चार ऑप्शन है 2, 0, 1, -1। तो देखो न्यूटन के सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन का यूज करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी यानी कि अगर एल जो है एंगुलर मोमेंटम वो कॉन्स्टेंट है देन टॉर्क क्या होना चाहिए, टॉर्क क्या हो जाएगा 0। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू एफ यानी कि वो क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा यानी कि आप दोनों इक्वेशन यहाँ पे पुट करोगे 0 तो अल्फा की वैल्यू हमारे
हमारे पास आ जाएगी माइनस वन, अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस वन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा माइनस वन। इसी के साथ जो हमारे पी वाई क्यूज है चैप्टर के वो फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, मुश्किल इसके पी वाई क्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं, काफ़ी मुश्किल चैप्टर फिजिक्स का ये, बट कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।